भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में लगाए गए प्रतिबंध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजीव चौबे ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट बहुत सारे उत्पादों के लिए जारी किया जा रहा था। इसे जारी करने वाली कंपनियां उत्पादकों को सर्टिफिकेट लगाने की बातें कर रही थी, उसके बदले में उनसे राशि भी ली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे यूपी में प्रतिबंधित किया है, जिस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हर प्रकार के उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई मानक संस्थाएं विधि द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। उत्पादकों को इन्हें अधिकार है सर्टिफिकेट देने का, अन्य किसी को भी सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। हलाल सर्टिफिकेट बहुत सारे उत्पादों के लिए जारी किया जा रहा था और इनको जारी करने वाली भारत में तीन चार संस्थाएं हैं, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उलामाए हिंद और ऐसी एक दो संस्थाएं हैं जो विभिन्न उत्पादों को, उत्पादकों को वो सर्टिफिकेट प्रदान कर रही थी कि अपने उत्पादों में ये लगाएं सर्टिफिकेट, और उसके बदले में उनसे राशि ली जा रही थी। योगी जी ने जिसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया है, वास्तविक रूप से ये पूर्णतः प्रतिबंधित पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि ये विधि विपरीत है कार्य। हर प्रकार के उत्पादों के लिए जो मानक संस्थाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं, ISI है, FSSAI है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं खाद्य पदार्थों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हर प्रकार की ये जो मानक संस्थाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जो विधि द्वारा निर्मित हैं, विधियों द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, तो इनको अधिकार है सर्टिफिकेट देने का। ये हलाल इंडिया, ये उलेमाए हिंद, ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ये है कौन और अधिकार क्या है और ये हलाल है क्या? सबसे बड़ा विषय ये है। मैंने अभी जब इसकी तस्दीक की और मैंने गूगल वगैरह में सर्च किया और देखा तो पाया हलाल इंडिया जो है इसकी एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाके मैंने देखा 2019 में हलाल इंडिया का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए का था। 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर यदि वो 2019 में था तो आज की डेट में वो 200 से 300 करोड़ रुपए का होगा। 200 से 300 करोड़ जिस कंपनी के 3 प्रमोटर हैं मात्र, 32 इनके कर्मचारी हैं इस कंपनी में, तो कुल मिला के 35 लोग सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं सर्टिफिकेट बांट के, जिसका उनको अधिकार ही नहीं है किसी भी नियम में, किसी भी कानून में। तो ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करना। और सबसे बड़ी बात, हलाल का मीट आपने सुना, हमने भी सुना कि जब ये जानवर को काटते हैं उस समय ये कलमा पढ़ के उसको हलाल करते हैं, और उन इस्लाम में हलाल का मांस खाना जो है उसकी अनिवार्यता है। बेशक रूप से वो करें, उसको हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे और आपको क्यों बाध्य किया जाए कि मैं भी वही खाऊं जो वो खाते हैं? तो उसी प्रकार क्या किसी शाकाहारी उत्पाद में, किसी अन्य कॉस्मेटिक में, दवाइयों में, इस्लाम में ऐसी व्यवस्था है कि वो हलाल का होना चाहिए? इस्लाम में यदि है तो किस कानून में, कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, ये इनको बताएं। तो एक फर्जी संस्था बना ली गई, समानांतर सरकार, समानांतर अर्थव्यवस्था, और इतने करोड़ रुपए जो ये कमा रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसकी बैलेंस शीट कौन जांच कर रहा है, ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई व्यवस्था, मैं आपको देखिए बताता हूँ, ये इसकी वेबसाइट है हलाल इंडिया की, और ये लिखते क्या है देखिए आप, ये लिखते हैं वी एंडेवर टू एंश्योर दैट हलाल कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स डिराइव बेनिफिट फ्रॉम दैट विच इज लॉफुल एंड गवर्नेंस टू शरिया, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉ, तो शरिया को, इनके जो शरिया है इसको ये कानून बना रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू इम्पोज शरिया ऑन ईच एंड एवरी इंडियन, वेदर ही इज मुस्लिम और नॉट, वेदर ही बिलोंग्स टू इस्लाम और नॉट, एवरी इंडियन is born to follow that Sharia rule, and they are trying to set a formula that their Sharia is above our constitution, above our law. एक narrative set करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो Sharia जो है वो सबसे सर्वोच्च कानून हो गया है, और ये जो एक सशक्त माध्यम बन गया है ये इनका जो सर्टिफिकेट है।
तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था जो विधि सम्मत नहीं है उसको रोकने का काम सरकार का है, वो यूपी सरकार ने किया है, आने वाले समय में सारे भारत में ये बंद होना चाहिए। देखिए एक विषय और आता है, जब हम देखते हैं तो इन ये जो सर्टिफिकेशन के बदले ये जो कंपनीज जो हैं पैसा कमा रही हैं, क्या इसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण है? ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई मॉनिटरिंग है? आप देखिए कि हमारे जितने भी धार्मिक न्यास हैं, न्यास बना दिए गए हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, ये सभी में ट्रस्ट बनाया गया है और इनके सारे ट्रस्ट के ऊपर सरकारी नियंत्रण है। हमारा जो भी चढ़ावा, हम अपनी श्रद्धा के साथ अपने श्रद्धा केंद्रों में जो भी चढ़ाते हैं उस सब के ऊपर सरकार का नियंत्रण है और सरकार उसमें से अपना हिस्सा ले जाती है। लेकिन ये जो इस्लामिक धार्मिक संगठन है, अन्य धर्म संप्रदाय के जो संगठन है, उन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? बल्कि उनके देखिए हमारे शासकीय स्कूलों में या हमारे स्कूलों में, सामान्य स्कूलों में आप हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनको नहीं पढ़ा सकते। वहाँ पर आप वेद नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पुराण नहीं पढ़ा सकते, वहाँ गीता नहीं पढ़ा सकते, ये सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है। लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं उनको सरकार पैसे दे रही है, एड दे रही है और वहाँ वो कुरान पढ़ा रहे हैं। हमको उनसे आपत्ति नहीं है, बेशक वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, लेकिन हमारे बच्चों को आप गीता पढ़ाने से रोक रहे हैं। हमको आप सरकारी एड नहीं दे रहे, हमको आप नहीं दे रहे तो भी कोई दो मत नहीं, आप हमारे पैसे लेके चले जा रहे हैं मंदिरों के, सरकारी नियंत्रण से हमारे मंदिरों को मुक्त करिए और हमको भी खुल के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने दीजिए, हमारे बच्चों को हम अपनी वैदिक शिक्षा दे सके, हम गुरुकुलों की स्थापना कर सके, मंदिर हर मंदिर अपने जो आने वाले पैसे उससे गुरुकुलों की स्थापना कर सके, तो नहीं, वो पैसे आप लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वालों को खुली छूट है कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए साल के कमाए और 35 आदमियों में बढ़ जाए, उसके बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवादी गतिविधियों में जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कौन है? कोई नहीं। निश्चित रूप से ये कदम पूरे भारत में ऐसी सारी जो संस्थाएं हैं जो अवैधानिक है और अवैधानिक काम कर रही है इन पर अंकुश लगाना और अब तक की इनकी जो कमाई हुई है उसका लेखा जोखा लेना और उनको जब्त करना, ये जरूरी है।